लंग कैंसर एक गंभीर बीमारी है, बट अच्छी चीज़ ये है कि अब ये लाइलाज नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अब लंग कैंसर को क्योर करने के लिए हैं। लंग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले भी एम्फेसाइज कर चुका हूँ, वो स्टेजिंग होती है। स्टेजिंग हमें गाइड करती है कि हमें क्या ट्रीटमेंट किस स्टेज में ऑफ़र करना है। स्टेज वन और स्टेज टू में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें हम जिस भी लंग के हिस्से में ट्यूमर होता है उसको सर्जिकली रिसेक्ट कर देते हैं। स्टेज थ्री ए के कुछ केसेस में सर्जरी ऑफ़र की जाती है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देने के बाद। स्टेज थ्री बी और स्टेज फोर में सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है और ये सारे ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करे जाते हैं। अगर हम लंग कैंसर में सर्जरी की बात करें तो लंग कैंसर की सर्जरी को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि लंग कैंसर लंग्स में किस जगह पे है। लंग्स को हम एनाटॉमिकली लोब्स में डिवाइड करते हैं। हमारे राइट साइड के लंग में तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड के लंग में दो लोब्स होते हैं। लंग कैंसर जिस भी लोब में होता है, सर्जरी में सिर्फ वही लोब निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट साइड के अपर लोब में लंग कैंसर है तो सिर्फ हम राइट साइड के अपर लोब को निकालेंगे और इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे राइट अपर लोबेक्टमी। कई बार ट्यूमर दो लोब्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है तो हमें उस सिचुएशन में बाइलोबेक्टमी करनी पड़ती है। कई बार ट्यूमर काफ़ी बड़ा होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है और कई बार हम लंग पैरेन्काइमा को बचा नहीं पाते हैं तो न्यूमोनेक्टमी यानी कंप्लीट लंग रिमूवल भी करना पड़ सकता है। अगर हमें लगता है कि हम लंग टिश्यू को बचा सकते हैं तो हम स्लीव लोबेक्टमी जैसा ऑप्शन भी पेशेंट को दे सकते हैं। ये सारे ही ऑपरेशंस हम तीन विधियों द्वारा कर सकते हैं। जो पहली विधि है उसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, जिसे हम क्लासिकल थोरकॉटमी या पोस्टरलैटरल थोरकॉटमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम मरीज़ की छाती पे साइड में एक बड़ा कट लगाते हैं, मसल्स को कट करते हैं, पसलियों को स्प्रेड करते हैं और इस सर्जरी को पूरा करते हैं। सेकंड जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसको हम वैट्स बोलते हैं या वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। जैसे पेट की लैप्रोस्कोपी आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर और हर्निया के लिए, वैसे ही चेस्ट में हम थोरैकोस्कोपी या वैट्स करते हैं, जिसमें हम दो या तीन छोटे कट्स से पूरे लंग की सर्जरी कर सकते हैं। तीसरा जो मोडालिटी है उसको हम रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी में भी हम दो या तीन छोटे कट्स यूज़ करते हैं, एक रोबोट को पेशेंट के ऊपर डॉक करते हैं और सर्जन एक रोबोटिक कंसोल पर बैठ के रोबोट को कंट्रोल करके इस सर्जरी को कंप्लीट करता है। वैट्स सर्जरी यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी पॉपुलर हो गई है आजकल लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो हम पेशेंट्स को ऑफ़र कर पाते हैं, क्योंकि इस सर्जरी में हम बहुत छोटे कट्स लगाते हैं, किसी भी मसल को कट नहीं करते हैं और रिब्स को स्प्रेड भी नहीं करते हैं, तो इसकी रिकवरी बहुत फास्टर होती है, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, सर्जरी में ब्लड लॉस भी कम होता है, पेशेंट हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो पाते हैं, अपने वर्क और ड्यूटीज़ को जल्दी रिज्यूम करवाते हैं और स्पेशली फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में ये कॉस्मेटिकली भी बहुत अपीलिंग होता है, क्योंकि सिर्फ 1.5 या 2 सेंटीमीटर के छोटे कट्स होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट क्रीज में छुपा सकते हैं और वो उनको आगे चल के परेशान नहीं करता है।